जैनों में अभी तक तीन बार चुनाव लड़ा हूं मित्रों और तीनों बार चुनाव जीता हूं मित्रों, और जब जब मैं चुनाव जीता हूं मित्रों तब तब मैंने बेस्ट कार्य किया है मित्रों। यदि मैं अच्छा कार्य न करता तो इस जैनों की पवित्र धरा पर मैं तीन बार चुनाव न जीतता मित्रों। और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को जैनों की आइडेंटिटी के लिए मुझे वोट देना होगा मित्रों, हमारी
मायावती ने मट्टी, क्या सीताराम येचुरी ने मट्टी, क्या लेफ्ट के जो सांसद है वो ने मट्टी, क्या जो लेफ्ट के मंत्री हैं वो ने मट्टी, क्या जो बापसा है बसपा जो भी इस प्रकार की आइडियोलॉजी से संबंधित लोग हैं क्या वो लोग ने मट्टी, हमारी बहन कुमारी मायावती जी भी मट्टी, जो ट्रिपल तलाक का विरोध करती है हमारी बहन कुमारी मायावती जी, और वो भी विरोध करता है उसका भी सम्मान करती मित्रों। आज तो मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी मित्रों को, इस कैंपस में तिरंगे को जलाया गया था कम्युनिस्टों के द्वारा मित्रों, इस कैंपस में तिरंगे का अपमान हुआ था मित्रों, इस कैंपस में भगवे का अपमान हुआ था मित्रों। आपको बताना चाहूंगा इस कैंपस में तिरंगा फहराता है राघवेंद्र मिश्रा फहराता है मित्रों। जेएनयू एससी के सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर देखिए, जेएनयू के ऊपर जाकर के तिरंगा हमने फहराया था मित्रों, पहचान मित्रों, और तिरंगा भी हमारी पहचान मित्रों, भगवा भी फहरेगा तिरंगा भी फहरेगा, और मैं इस मंच से आरएसएस से लेकर बीजेपी से लेकर सभी राइट विंग के मित्रों को मैं यहां से नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं चिंतन करता हूं मित्रों। मित्रों मैं बताना चाहता हूं आखिर कब तक मित्रों एक फिजिकली डिसेबल्ड का आप लोग शोषण करेंगे मित्रों। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं और बता दूं, आप लोग पूछेंगे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से, आप किसी पार्टी से क्यों खड़ा नहीं होते मित्रों। आपको पता है जेएनयू में जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है मित्रों, वो सामंती सोच मित्रों, वो राजशाही सोच मित्रों, हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है मित्रों, उसकी आइडियोलॉजी इंडिपेंडेंट होती मित्रों। मैंने जेएनयू के हितों के लिए कार्य के लिए जेएनयू में वृक्षारोपण किया है मित्रों। आप मैं पर्चा नहीं पाट रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मेरे प्रचारक आप सब लोग हैं, मेरे प्रचारक जेएनयू का हर एक युवा है, मेरे प्रचारक जेएनयू की आवाज है। डेमोक्रेसी की हत्या जेएनयू में जब की जाती है मित्रों, एक दिव्यांग छात्र को मोदी जी ने नाम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक दिव्यांग छात्र को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता मित्रों। मैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बुलाता हूँ मित्रों, कोई नहीं आता है मित्रों। अरे किस ऑप्रेस्ड पीपल की बात करते हो, किस आप जो कि अनइक्वलिटी की बात करते हो, मेरे साथ अछूत जैसा व्यवहार हुआ मित्रों, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ मित्रों। चार दिन से खाया नहीं हूँ, यदि हाई कोर्ट नहीं गया होता मित्रों तो आज मैं आपके सामने न होता मित्रों। भारत का संविधान अंबेडकर जी ने मुझे इस मंच पर ला दिया मित्रों, मैं जब जब जीता हूँ राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए, छात्र हित के लिए कार्य किया हूँ मित्रों। और आप सब लोग से मैं यही बोलूंगा, आप लोग मुझे मौका दीजिए, मैं जीत रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है मैं जीतूंगा। और अपने मित्र राइट विंग के मित्रों से मैं बोलना चाहूंगा, अरे तीन सीट पर आप जिताओ मैं भी वोट दूंगा, एक सीट पर एक हिंदू लीडर को दो वोट, एक सीट पर एक राइट विंग के व्यक्ति को वोट दो जो इस कैंपस में जब भगवे का अपमान होता है, माता दुर्गा को प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है, काली माँ की नंगी तस्वीर असल टू के पास लगाई जाती है, मोदी जी को गलत तरीके से डिफाइन किया जाता है, गाय काटते ट्रिपल एस के पास दिखाई जाती है, तो आवाज इस कैंपस में केवल एक व्यक्ति उठाता है मित्र।